couriersewa.com। दिल्ली NCR में पहली बार 20 मिनट से 200 मिनटों के अंदर आपका पार्सल पहुंचाए, वो भी बेहद कम दामों में, आसान चार ऑप्शंस के साथ, लाइटनिंग, एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड और इजी। कोरोना जैसी महामारी में जहां दिल्ली NCR में रोज केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कुरियर सेवा आपके लिए किसी संकट मोचन से कम नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स, बर्थडे कार्ड, एनिवर्सरी कार्ड या कोई भी जरूरी पार्सल डिलीवर करवाना हो तो बस कुरियर सेवा के दिए हुए फोन नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स कुरियर बॉयज पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ आपके पार्सल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। आपका किया हुआ एक फोन कॉल आपको और आपके पूरे परिवार को कोरोना जैसी बीमारी से सुरक्षित कर सकता है। घर रहें, सुरक्षित रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों, वैसे तो आप टीजर और वीडियो का टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि वीडियो किस चीज के बारे में होने वाली, मगर फिर भी मैं बता दूं। जी हाँ, जैसे कि हर घर में एक ऐसा खास कोना जरूर होता है जो आपको बेहद पसंद होता है और बेहद आपके करीब होता है, ऐसा ही एक कोना मेरे घर में भी है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। सो आइए आपको लेकर चलता हूँ उस कोने में और दिखाता हूँ आपको उस कोने की खासियत क्या है। अच्छा, बाय द वे, जितने लोग मेरा हेयर स्टाइल देख रहे हैं, ये मैंने खुद अपने घर पे अपने हाथों से किया है। तो चलिए आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये है वो सबसे खास कोना जो मुझे बेहद पसंद है और जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। रीज़न आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हरा भरा, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से आपको मिलती है। देखने लायक चीज़ जो इस पर्टिकुलर एरिया में है वो है क्रिएटिविटी। ऐसी ऐसी चीज़ों के गमले बनाए गए हैं जिसके आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करता हूँ और कोशिश करूँगा जितनी जल्दी जल्दी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो आइए पहली शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे सामने एलोवेरा। सो एलोवेरा का इस्तेमाल आप फेस पे लगा सकते हैं, आप इसको पी सकते हैं, खा सकते हैं, जो करना चाहे आप इसके साथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो एलोवेरा की, इस ये जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर इसको लगाया गया है, ये बेसिकली गाड़ी की एक बैटरी होती है, इसके अंदर बैटरी लगाई जाती है, ये उसका कवर है और उसको गमले में कन्वर्ट किया गया है। तो दूसरी चीज़ जो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये पुदीना यहाँ लगा हुआ है इस गमले में। ये बेसिकली गमला कुछ ऐसा है कि ये 20 लीटर की जो केन होती है, प्लास्टिक की केन पहले आया करती थी, ये वो है, उसका पेट ऊपर से फाड़ा गया है और इसको गमला बना दिया गया है। ये हमारा छोटा सा पौधा फूलों का, यहाँ पे देखिए एक शिवलिंग भी हमने रखे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये फिर से पुदीना और ये नॉर्मल गमला है, शायद खरीदा हुआ है। ये पेंट की बाल्टी आपको दिख रही है, उसको गमला बना दिया गया। ये जो पत्ता आप देख रहे हैं, जितने भी पहाड़ी लोग हैं शायद वो इस चीज़ को समझ पाएँ, ये है अरबी का पत्ता जिसके हम पत्तीउड़ बनाते हैं और ये यहीं से यहीं उगाए जाते हैं और यहीं बनाए जाते हैं। ये तीन छोटे छोटे जो आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये गमले दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली 5-5 लीटर के सरसों के तेल के डिब्बे हैं। तेल ख़त्म हो गया तो उनका इस्तेमाल कर लिया गया। ये देखिए कितने बड़े बड़े ये पत्ते हो गए हैं। ये गमला है और ये है मिर्च का पौधा, ये मिर्च की पौध यहाँ पे लगाई गई थी छोटे से गमले में और उसके बाद इसको बड़ी क्यारी में शिफ्ट कर दिया गया। ये है हमारा तुलसी मैया का पौधा, ये देखिए जी। और ये है हमारा आम का, नहीं आम पपीता कुछ तो है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो ऐसा ही है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा, शायद आम का ही पत्ता है यार ये। और ये है हमारे पास गिलोई की बेल, ये बेल है गिलोई की जो अक्सर आजकल दवाइयों में इस्तेमाल होती है। वो देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे फिर एक 20 लीटर का और केन है जिसको फाड़ के उसके अंदर गिलोई की बेल लगाई गई है। वो सामने एक टब है जो वेस्ट हो चुका था, उसको फिर इस्तेमाल किया गया। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ बड़े पोर्शन की तरफ। ये है बड़ी क्यारी जहाँ पर हमारी अच्छी खासी फसल, ये जितने भी पौधे आप इस टाइम देख रहे हैं ये मिर्च के पौधे हैं। ये मिर्च की पौध अभी मम्मी ने कुछ दिनों पहले लगाई थी,
ये पपीते का छोटा सा पेड़, इसका बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पर, उसे हमें उखाड़ना पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेरने लग गया था। उसको हटाया तो उसके बावजूद भी ये छोटा पौधा अपने आप निकल आया। ये साथ में आपको दिखाई देगा, ये नीम का पौधा, जी हाँ, ये हमारी छत के ऊपर ही है। ये ताज्जुब नहीं है, ये छत के ऊपर ही है, जो जिसने अपनी जड़ यहाँ मजबूत कर रखी है। उसके साथ में जो आपको दूसरा पौधा जो ये आपको दिखाई दे रहा है वो है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता का पेड़ है जिसने अच्छी खासी जगह यहाँ घेर रखी है। और साथ में ये लगाई हुई हमने एक बेल। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको एक कूड़े का ढेर दिख रहा होगा। जी हाँ, ये देखिए, ये कूड़े का ढेर बेसिकली है क्या, ये कंपोस्ट माने काम आता है। जो भी हमारी सब्जियों का वेस्ट मटेरियल जो होता है, यानी कि जो भी यूज्ड उसमें जो बच जाता है कूड़ा, वो हम लाकर यहाँ रख देते हैं और उसको कंपोस्ट करके इसकी खाद बनती है और वो यहाँ इस्तेमाल होती है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये है प्रॉपर नज़ारा। ये देखिए, नीम के पेड़ की लंबाई आप देखिए, कम से कम नहीं तो ये 5 से 6 फुट की हाइट इसकी है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा हो गया है। ये सब बेसिकली सब दवाइयों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। यहाँ पे नीम के पेड़ का मेरे पिताजी काढ़ा बनाते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। गिलोय का मैंने आपको बता दिया, एलोवेरा आपको बता दिया, पपीते के पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये छोटे 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 अरबी के पत्ते मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत छोटे हैं अभी, ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनको काटा जाता है, फिर उसके बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बारीकी से मैं एक एक चीज़ को बताने लगा तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, सो इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। ये देखिए, कड़ी पत्ता का पौधा एक यहाँ भी हमारे पास है। तो अगर किसी भी भाई और दोस्तों को ज़रूरत हो दवाइयों की तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये था मेरे घर का मेरा फेवरेट कोना, और उम्मीद करता हूँ आपके घर में भी आपका कोई फेवरेट कोना ज़रूर होगा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स पे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कोना कौन सा है और क्यों है वो। मेरा तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आई लव ग्रीनरी। देखो जी यार, पहाड़ी आदमी ना कहीं भी चला जाए, उसको जगह मिलनी चाहिए थोड़ी सी, बस वो चाहता है कि अपनी छोटी जगह को वो पहाड़ बना लेता है। अब देखिए, इतनी छोटी सी जगह पर हमारी मम्मी जी ने इतनी अच्छी सी खेती कर रखी है, वो अलग बात है। हम पहाड़ियों के गांव में खेत बंजर है, मगर हम जहां जगह मिलती है वहां गमलों में चीज़ों को उगा लेते हैं। तो आइए इसी नोट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा ऐसा घर का कोना है जो आपका फेवरेट है और क्यों है। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।